बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। शनिवार देर रात हरदी इलाके के दो गांव में भेड़िए के हमले की खबर सामने आई है। इस हमले में एक 6 साल का मासूम और एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों के शोर मचाने पर भेड़िया कहीं भाग गया, जिसके बाद घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका प्राथमिक इलाज कर दिया गया है। उनकी कितने बजे एडमिशन हुआ, क्या ट्रीटमेंट हुआ? नहीं, वेरी माइल्ड इंजरी है, सिंपल इंजरी है, कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है। गले के ऊपर थोड़ा सा लेसरेटेड वुंड है। और बीती रात ये लोग आए थे 1-2 बजे और एक सुबह मॉर्निंग में 5 बजे आए थे। एक बच्चा था 7 साल का और एक 55 साल के कुन्नूलाल थे, और बच्चे का नाम पारस है। और कोई ऐसी अभी भयावह स्थिति फिलहाल इन लोग के साथ नहीं है, पर हम लोग अपने उपचार प्राइमरी दे दिया गया है। पर इन लोग पेशेंट के अकॉर्डिंग बोला गया है कि वुल्फ अटैक है ये। हाँ भाई, यही जो बता रहे वुल्फ अटैक, तो क्या लगता है अभी वुल्फ है या क्या है? ये तो जांच का विषय है, ये वन विभाग डिसाइड करेगा, पर हमारे हिसाब से सिंपल लेसरेटेड वुंड था, तो जिसका हमने उपचार कर दिया है। ठीक, लेसरेटेड वुंड का मतलब ये हल्का सा खरोच या स्क्रैच, CLW उसको हमारी मेडिकल भाषा में बोलते हैं, तो वो है। जानकारी के मुताबिक हरदी इलाके में स्थित नकाही गांव में शनिवार की रात भेड़िए ने 7 साल के पारस नामक बच्चे पर हमला किया। ये घटना उस वक्त हुई जब पारस रात में अपनी मां के साथ सो रहा था। भेड़िए ने अचानक हमला करते हुए पारस के गले पर पंजा मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मेरा नाम ललित है। आप बच्चे के क्या हूं? मामा हूं। तो ये आपके क्या बच्चे घर आए थे क्या? मेरे घर आए थे टहलने के लिए, और रात में लेटे हुए थे, भेड़िया ने आके पकड़ लिया। रात के 1:30 बज रहे थे, फिर सारे ने चिल्लाया, फिर हम भी उठे, फिर भेड़िया ने छोड़ के भाग गया। आप लोगों ने दौड़ाया नहीं क्या भेड़िया को? दौड़ाया, पर वो गन्ने में जाकर चला गया रात को। क्या भेड़िया था या सियार था ये? भेड़िया ही था। सियार तो नहीं था? सियार नहीं था, उसका पंजा ही बना हुआ घर पे। इसके अलावा देहरिया गांव में 55 साल के कुन्नू पर भी हमला हुआ, जिससे वो घायल हो गए। चीख सुनकर जागे परिजनों और ग्रामीणों के शोर मचाने पर हिंसक जानवर उन्हें छोड़कर कहीं भाग गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बार भेड़ियों के हमले का मामला सामने आ चुका है, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जैसे 17 जुलाई को मक्कापुरवा में 1 साल के अख्तर को भेड़िया उठा ले गया था, बाद में मासूम का शव खेत में मिला। इसी तरह 26 जुलाई को नकवा गांव में मां के साथ सो रही 3 साल की बच्ची प्रतिभा को भेड़िया उठा ले गया, और अगले दिन गन्ने के खेत में उसका शव मिला। 3 अगस्त को कुलैला गांव में बरामदे में सो रहे 8 साल के किशन को भेड़िया उठा ले गया था, और अगले दिन उसका शव खेत में मिला था। इसी तरह 17 अगस्त को हिंदसिंह गांव में 4 साल की बच्ची संध्या पर भेड़िया ने हमला कर दिया और अपने साथ ले गया, अगले दिन गन्ने के खेत में उसका शव मिला। 21 अगस्त को 5 साल की खुशबू को भी भेड़िया उठा ले गया था, और अगले दिन 1 किलोमीटर दूर खुशबू का शव मिला था। इसी तरह 25 अगस्त को 52 साल की रीता देवी को भेड़िया ने अपना शिकार बनाया, और 26 अगस्त को 7 साल के बच्चे अयांश को भेड़िया ने अपना शिकार बना लिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।